हत्या, चोरी, डकैती, लूट, मार, रेप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम तो पुलिस से पूछो तो कहती है सब ठीक। 14 साल के मासूम का अपहरण फिर हत्या, सरकार को चुनौती देते अपराधी बेखौफ, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक के बाद एक अपहरण और हत्या से यूपी दहल उठा है। जिस प्रदेश को अपराधी मुक्त योगी सरकार बनाने का दावा करती थी, उसी प्रदेश में अपराधी बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पहले कानपुर, फिर गोंडा और अब गोरखपुर से 1 करोड़ की फिरौती के लिए 14 साल के मासूम का पहले अपहरण और फिर हत्या। इससे ये साबित होता है कि यूपी में अपराधियों का आतंक कितना बढ़ गया है। 14 साल का मासूम बलराम गुप्ता रविवार को अपने पिता की पान की दुकान पर जाने के लिए घर से निकला था, मगर रास्ते में ही बदमाशों ने उसे अपहरण कर लिया और फिरौती के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की। बलराम के पिता महाजन गुप्ता को बदमाशों ने धमकी दी कि 1 करोड़ नहीं दिया तो बच्चे को मौत के घाट उतार देंगे, और बलराम को आखिरकार बदमाशों ने मौत के घाट उतार ही दिया। इस घटना से गांव में शोक का माहौल है। वहीं पुलिस ने अपहरण और हत्या में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 पर अपहरण और हत्या और 2 पर फर्जी कागजात से सिम कार्ड बेचने का आरोप है। मगर अब बलराम के परिवार के पास बलराम की याद में आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक अपहरण की घटना ने योगी सरकार के अपराधी मुक्त प्रदेश के दावे को खोखला साबित करती नजर आ रही है। ये वही योगी सरकार है जो कहती थी कि अब उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग जाएंगे, मगर उत्तर प्रदेश में अब और आतंक अपराधियों का देखने को मिल रहा है। देखिए 14 साल के मासूम बलराम के अपहरण और हत्या के बाद परिवार वालों का क्या रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अब इस तरह की बढ़ती वारदातों पर राजनीतिक पार्टियां भी योगी सरकार को आड़े हाथों ले रही हैं। समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया और कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोला है। पूरी तरह से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने में फेल होती नजर आ रही है। अब अपराधियों का और अपहरणकर्ताओं का प्रदेश बनता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी ना रहें और रहेंगे तो उनकी जगह कहां होगी, या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, लेकिन अपराधी तो उत्तर प्रदेश तो नहीं छोड़े सर, वो गोरखपुर में पहुंच गए। गोरखपुर में आपके गृह जनपद उन्होंने बच्चों का अगवा कर लिया, 1 करोड़ की फिरौती मांगी, फिरौती नहीं मिलने पे बच्चे की हत्या कर दी। इससे ज्यादा चैलेंज की बात है और क्या हो सकती है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, यहाँ जंगल राज चल रहा है। जब मुख्यमंत्री का गृह जनपद सुरक्षित नहीं है, हत्या, चोरी, डकैती, लूट, मार, रेप लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस हाथ में हाथ रख के बैठी है, ऐसा लग रहा है पुलिस सो रही है, और पुलिस से पूछो तो कहती है सब ठीक। उत्तर प्रदेश अपराध का हब बनता जा रहा है, यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, हर किसी पे अपराधियों का खौफ यहाँ है, और अपराधी बेखौफ होकर के यहाँ पे अपने अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हत्या, लूट, डकैती, दुराचार ये तो चरम पे था ही, अब फिरौती अपहरण उत्तर प्रदेश में नया उद्योग बहुत जोरों से फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में अपहरण के बढ़ते वारदात से लोग काफी सदमे में हैं। हर कोई डरा सहमा हुआ है, उन्हें अपने परिवार की चिंता सता रही है कि न जाने कब और कहां उनके परिवार के किसी सदस्य का अपहरण न हो जाए। लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।